अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बैंस नज़ीर जी। दोस्तों, अभी मैं इधर आया हूँ एहसन भाई के पास, और इन्होंने यहाँ पे कबूतर का छोटा सा फार्म बनाया हुआ है। लेकिन इस छोटे से फार्म में इन्होंने बहुत बड़े बड़े कबूतर रखे हुए हैं और बहुत एक्सपेंसिव कबूतर रखे हुए हैं। तो आए हैं, अब मैं आपको एहसन भाई से मिलवाता हूँ और इनसे कबूतर के बारे में जो है ना मालूमात लेते हैं। ठीक ठाक, और तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, कितने अरसे से कबूतरों का शौक कर रहे हैं? मैं तकरीबन 4-5 साल से शौक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो आपको इनके बारे में काफ़ी पता होगा। सब नॉलेज है। तो जनरल जनरल बताएं, कितनी नस्लों के कबूतर रखे हुए हैं आपने? मैंने ना तकरीबन 4-5 नस्लों के रखे हुए हैं फिलहाल। ठीक है। तो कल एक शो भी था, मैं वो भी अटेंड करके आया हूँ। ठीक ठीक। ये पाकिस्तान फ्रीज बैग का, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। सही 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 सही। ये जो है ना वाइट फील्ड का, इनका मैं शो अटेंड करके आया हूँ। तो एक तरह से शुरू करते हैं, पहले देखते हैं कि ये इनको जरा, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जरा बताते जाइए कि आपने कौन कौन से कबूतर रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत ही नायाब चीजें हैं। तो ये सबसे पहले दोस्तों, इन्होंने ये ब्लैक कलर के आप देख सकते हैं, ये इन्होंने इधर पिजन्स रखे हुए हैं। तो ये कौन से उमर भाई, जरा इनका बताइए थोड़ा सा। ये है ना ब्लैक सेल्फ डेनिश है। ब्लैक सेल्फ डेनिश, जी हाँ। ठीक है। ये पाकिस्तान में काफी लोगों को पसंद में किए जाते हैं। ये बिल्कुल इम्पोर्टेड, आप देख रहे होंगे रिंग डले हुए हैं। ठीक है। ये उस मुल्क का मैं नाम भूल गया, नॉर्वे या फिर जर्मनी का, ये वैलिड किया गया। ठीक 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 ठीक। नीचे आ जाए, अकबर अल सैयद, ये बहरीन के ब्लड लाइन में। दिखाइएगा जरा इसको सीधा करके, तो बहुत ही खूबसूरत है इसकी। जरा आप ये फ्रेंड्स, ये जरा इसका देखिए, माशाल्लाह इसके तो पूरी छतरी इसने बनाई हुई है अपने जो है मुंह के इर्द गिर्द। देखिए आप इसको जो है, क्या कहते हैं इसको, कहते क्या? जैकोबिन। जैको, जैकोबिन, जैकोबिन। सही सही सही। क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी इसकी कीमत? तकरीबन 50 से अबव है। 50,000 से अबव है एक पेयर या एक कबूतर? अब इस वक्त के हिसाब से तो अबव है, तकरीबन अराउंड इधर ये 50,000 का पेयर। 50,000 का पेयर है इसका। ठीक ठीक ठीक। इसके बाद आते हैं हम तीसरे पेयर की तरफ। तो ये भी बहुत खूबसूरत इन्होंने ब्लैक कलर के रखे हुए हैं। ये जरा उड़ तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, खोलिएगा जरा इसको। ये देखिए जी दोस्तों, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे भी जोड़ी रखी हुई है। इसका नाम क्या है उमर भाई? ये भी ब्लैक सेल्फ डेनिश में शुमार है। ठीक ठीक ठीक। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी? ये तकरीबन 1 लाख। 1 लाख के करीब। आप तो भाई इस वक्त लाखों में खेल रहे हैं फिर। जबरदस्त हो गया। तो नीचे जो पड़े हैं ये कौन से हैं? ये मतलब के फोस्टर्स हैं। ठीक है, में शुमार होते हैं ये एकदम के, मतलब के ये फैंसी जोड़े दे देंगे ना अंडे। ठीक है। तो इनके नीचे वो फोस्टर। अच्छा, ये इसके ऊपर अंडों के ऊपर बैठने के लिए। ठीक है, बच्चे निकलवाने के लिए रखे हुए हैं। फोस्टर मदर का काम करती हैं ये। ठीक ठीक। आए जी, एक और खूबसूरत आपको ये इधर कबूतर दिखाते हैं। ये इसके पर देखिए माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ये आप परिंदा देख सकते हैं। इसके परों के ऊपर ये देखिए कर्ल्स जो बने हुए हैं, और इसके पाँवों के ऊपर जो ये फीदर्स कर्ल्स हैं, ये आप चेक करिए। इसका नाम क्या उमर भाई? एहसन भाई, नाम फिर आपका भूल जाता हूँ मैं। ये सिल्वर सैडल फ्रीज का। ठीक ठीक ठीक। और इसकी क्या कीमत वगैरह होगी एस्टिमेट? तकरीबन 1,50,000। 1,50,000 के करीब जी पेयर, मगर ये मेरे पास अभी फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल है। ठीक ठीक। ये तो बहुत ही खूबसूरत आप देखें माशाल्लाह, और ये रिंग भी डला हुआ है इसको। ये सब माशाल्लाह मेरे सारे इम्पोर्टेड हैं। सही 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 जी। आपको अगला ये कबूतर दिखाते हैं, ये इसकी आई के गिर्द रिंग बने हुए। ये कौन सा है जी? ये वाइट सेल्फ डेनिश। ये वाइट सेल्फ डेनिश है। ठीक ठीक। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी? तकरीबन 50। ये 50,000 के करीब ये बता रहे हैं भाई। अच्छा जी, ये नीचे आप देखते हैं, ये इन्होंने पेयर ने अंडे भी दिए हुए हैं, और इनका अंडा भी आप देख सकते हैं कि वो सामने इन्होंने अंडा दिया हुआ है। और तो ये कौन सा है जी? ये वाइट फील्ड में आता है। ये समझ लें कि अभी मैंने पेयर परचेज किया 150। 1,50,000 का। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। मैं गया था, मैं वहीं से मैंने परचेज किया। माशाल्लाह, इनकी खूबसूरती देखिए आप, और इसके परों की खूबसूरती देखिए आप। तो ये बेन था खूबसूरत जो है, और इसने अंडा दिया। कितने अरसे में ये बच्चा दे, ये अंडा से ये इसका 3-5 दिन में मुझे पता चल जाएगा ये फर्टाइल है या नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो आप कैसे चेक करते हैं कि अंडा फर्टाइल है या नहीं? ये मोबाइल की टॉर्च से भी पता चल जाता है। वैसे भी एक टॉर्च मिलती है। ठीक है, तो भी वो आप देखते हैं और उसके आगे रोशनी डालते हैं, और दूसरी तरह से आपको पता लग जाता है कि एग फर्टाइल है या नहीं है।
ठीक 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 है, पूरा प्रोसीजर है जी एग फर्टिलिटी का, ये भी अपने यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा कि अंडे को कैसे देखा जा सकता है कि वो फर्टाइल हुआ या नहीं हुआ, सही हो गया। और ये पेयर कौन सा है जी? ये भी इन्हीं में से ही है, ये वो न्यू लाइन है, ठीक है, भी लाइन का होता है ना, ठीक है, ये मतलब कि ओल्ड लाइन में ज़्यादा शुमार हो जाता है, अब उसमें स्टार्ट वर्किंग करूँगा। ठीक ठीक ठीक, वो न्यू लाइन आ जाएगी आपकी। हाँ। सही 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 सही। और नीचे ये भी ऐसे ही है, वाइट फील्ड में आता है, ये भी उसी ब्रीड के अंदर है। ठीक ठीक, और ये कौन से नीचे? ये सैडल में आता है, येलो सैडल फील्ड में। ठीक ठीक, येलो सैडल में है ये। ठीक, इनका और उनका परों का डिफरेंस है सर जी, आप देख सकते हैं जी। इन्होंने कोई अंडा वगैरह नहीं दिया? नहीं, फिलहाल नहीं, ये अब माशाल्लाह से ब्रीड करेंगे, अब आप देख ही रहे हो, अब ये चल रहे हैं। सही सही। और एक और जी इस तरफ बैठे हैं, ये आपको दिखाते हैं, समय लेके ये मेरे शौक का पेयर है माशाल्लाह जी। ये चोंच आपने कटवाई है या ये लॉन्ग फेस और समाल बीक में आपको दिखा रहे हैं जी, ये क्या खूबसूरती, इसकी चेक करिए, ये अब आप देख सकते हैं साइड से इनको, ये दूर से ऐसे लगता है जैसे बड़े गुस्से से देख रहा है, लेकिन गुस्सा नहीं है जी इसका। ये यूएई का है, ये मुत्तहिदा अरब इमारात का बता रहे हैं जी। और नाम क्या बताया इसका? लॉन्ग फेस। ये लॉन्ग फेस पिजन है जी, और इन्होंने मेरे ख्याल अभी अंडे नहीं दिए शायद, लेकिन ये अनकरीब ही लग रहे हैं, जिस तरह ये ऊपर जो उठा हुआ है मुझे मेल लग रहा है इसका। ठीक है, बहुत खूबसूरत है जी ये जी। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं जी, इन्होंने जो रखा हुआ है, ये कौन कौन सा है जी इनका बताइए ज़रा। ठीक ठीक ठीक। आप हसन भाई सेल परचेज भी करते हैं? सेल करते हैं सिर्फ, सेल करता हूँ। ठीक ठीक ठीक, और मैं कुछ नहीं। एक ये भी इन्होंने पेयर रखा हुआ है जी, ये देखें, ये कौन सा है जी? ये उसके ग्रीन है, ये येलो कलर में आ जाता है, येलो कलर में आ जाता है ये। ठीक हो गया, ये बैरिंग लाइन में, ठीक हो गया, ये वाइट फील है, ये लोकल में आ जाएगा, ये लोकल में पाकिस्तान में ब्रीड है। ठीक ठीक, तो मैं बड़ी खुशी हुई जी यहाँ पे आके, और कुछ और बताना चाहते हैं आप? जी हाँ, वाइट फील के बारे में बताऊंगा जी, बिल्कुल। ये लोकल और इसका क्या फर्क है? ये ये देखें जी, कुछ स्पेशल आपको बताने लगे हैं यहाँ पे, जरा गौर से सुनिएगा। ये मैंने पकड़ा गलत है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा, कभी मैं इनको पकड़ता नहीं। सही सही सही, तो इस वजह से ये ऐसे है। अब जो ये न्यू लाइन है ना, इसमें ये देखें कुरान का आ रहा है, जो हमारे कल शो में जैसमल तमीमी आए थे, ये उन्होंने क्राउन का बताया था कि बिल्कुल क्राउन है ना ऐसे होना चाहिए। जबरदस्त हो गया जी, ये इसके हेड पे क्राउन है जी, ये क्राउन का बता रहे थे, ये क्राउन देख लीजिए, जैसे ये पीछे से ये आगे की तरफ उठा हुआ है जी, ये मतलब कि न्यू लाइन में शुमार है, ये आप देख सकते पाकिस्तान हैं। लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों का जी, ये न्यू लाइन है इसकी जी, ये आप देख सकते हैं क्राउन जो ये पीछे की तरफ ये बन रहा है, ये इसको क्राउन ये बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बता रहे हैं ये, और ये जो फ्रिल है ना कर्ल, ये मैक्सिमम है ना, आपने एक पर निकाल के देखना है, तो इसमें ना उन्होंने कहा है कि एक, अभी इसमें एक कर्ल है, ये बिल्कुल मोड में है, इसमें दो कर्ल होने चाहिए, दो या तीन। इसके इससे क्या, अगर दो या तीन कर्ल होंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये मतलब कि उसमें शुमार होगा, शो में जा सकेगा पर। ठीक ठीक, ये जी एक नई बात बताई है इन्होंने कि इस बर्ड के अंदर अगर ये एक कर्ल होगा, जैसे इस पर जो फीदर है इसमें एक कर्ल है, तो फिलहाल ये शो में अभी नहीं जा सकता। नहीं, अभी जब नहीं ये दो से तीन कर्ल इसके अंदर हो जाएंगे, तब ये शो में जाने के काबिल होगा। ठीक ठीक जी, आप खूबसूरती माशाल्लाह इसकी चेक करिए जी, बेहतरीन हो गया ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो बाकी ये सिर्फ इस वजह से अभी ये बर्ड मेरे मोल्ट में है, अभी इनकी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मोल्टिंग फेस में जी, मोल्टिंग फेस इस वजह से ना ये पर कोई पर वगैरह इसी वजह से गिरा रहे हैं। तो फर्दर एहसन भाई अपना नंबर बताइए ज़रा, अगर कोई भी मालूमात की ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, 03121636360। उर्दू में बता दीजिए, 03121636360।
जी फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी किस्म की इस बारे में मालूमात चाहिए हो कबूतरों के बारे में, तो ये इनका काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, तो आप जो है मेरे YouTube चैनल पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर भाई से जो है आप इनके दिए गए नंबर पे जो है रابطہ करके इनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ये पर इधर सेल भी करते हैं, अगर आपको किसी किस्म का भी इनमें से कोई कबूतर पसंद हो तो आप इनसे डायरेक्ट जो है वो रابطہ करके परचेज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।